एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मर्सी सिंह। और आज का जो वीडियो है मैंने स्पेशली बनाया है इस टॉपिक पर, तो आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कॉटन यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट में एक नया नोटिस आ चुका है और इसको जल्दी से जल्दी डाउनलोड करके हम लोग बात करेंगे। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मतलब डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस भी दूंगी, तो आप लोगों को इसमें कुछ भी स्किप नहीं करना है। तो आप लोग देख सकते हो बीएससी ऑनर्स का जो यूजी साइंस एडमिशन होगा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, ऑनलाइन एडमिशन होने वाला है और 16 अगस्त को होगा। और इसमें जियोग्राफी और बायोटेक्नोलॉजी के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स में एडमिशन ले पाओगे। पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि टाइम स्लॉट कब है और कौन सा स्टूडेंट्स एडमिशन ले पाएंगे इन टाइम में, तो आप लोग देख लीजिए। आपका अगर मेरिट लिस्ट में नाम है 267 के अंदर, तो आपका एडमिशन 16 अगस्त को हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए 10 बजे से 11 बजे तक 287 से 285 के अंदर जिस भी स्टूडेंट्स का नाम है रैंक लिस्ट में, जितने सारे स्टूडेंट्स हैं सारे आपको नाम के स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाएंगे। और ऐसे करके लास्ट तक आपको दिखा दे रही हूँ मैं, तो 1:30 PM से 2 PM तक एक सिस्टम मेंटेनेंस ब्रेक लिया जाएगा। तो उसके बाद 2 PM से 4 बजे तक आपका 274 से लेकर 267 के जितने सारे मेरिट लिस्ट में नाम आए हैं सारे स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाएंगे उसी दिन। और कैसे मिलेंगे हम लोग नीचे आप लोग डिटेल्स देख सकते हो, ये सारे कुछ हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, तो इसको ध्यान से सुनना। और आपका जो भी मेरिट का मार्क्स है उस मार्क्स के सामने जो भी टाइमिंग दिया गया है उसी टाइम के अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा भी 2-3 मिनट का मतलब ब्रेक ले लेते हो, एब्सेंट रह जाते हो, तो आपका एडमिशन नहीं मिल पाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। आपका जो भी मैसेज आ जाएगा कि आपको इसी टाइम में आपको एडमिशन है आपका इसी मार्क्स का, तो आपको प्रेजेंट रहना है, ऑनलाइन रहना है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हो नीचे यूजी एडमिशन 2022-23 का। अगर कुछ भी आपको गलत हो जाता है, कुछ भी अगर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन में आप लोगों को शेयर करूंगी, फिर भी अगर आप लोग एडमिशन लेने के टाइम में दिक्कतें आती है, तो आपको गूगल मीट ये जो लिंक दिया गया है इसमें वीडियो कॉल लिंक का, आप लोग ज्वाइन करके भी आप लोग प्रॉब्लम अपना बता सकते हो, और तभी आपका एडमिशन्स भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और यूजी आर्ट्स का जो एडमिशन होगा 18 अगस्त को होगा, और इसके लिए 16 अगस्त को आप लोगों को पब्लिश कर दिया जाएगा। जैसे आर्ट्स साइंस का ये सारे डिटेल्स बता दिया गया है, नोटिस ये दिया गया है कैसे एडमिशन्स होंगे, तो ऐसे ही सेम प्रोसेस में आपको 16 अगस्त को एक नोटिस आएगा और 18 अगस्त को आपका एडमिशन्स हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म एंड बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, जियोग्राफी, इनके अलग से 16 अगस्त को ही एग्जाम एडमिशन्स होंगे, ठीक है। तो अभी हम आएंगे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू यूजी साइंस बीएससी ऑनर्स प्रोग्राम इन कॉटन यूनिवर्सिटी 2022। तो इसके लिए आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इसमें एक आपका मैसेज आएगा, डियर कैंडिडेट यू आर रजिस्टर्ड टू लॉग इन टू द एडमिशन पोर्टल ऑफ कॉटन यूनिवर्सिटी यूजी फर्स्ट सेमेस्टर प्रोग्राम, योर एडमिशन प्रोसेस विल स्टार्ट सून। तो ये मैसेज मिलने के साथ ही साथ आपको ऐसे करके कॉटन यूनिवर्सिटी ac.in वेबसाइट में जाना है और एडमिशन 2022 में आपको क्लिक करना है, देन लॉगिन करो जल्दी से जल्दी। उसके बाद यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के आपको एप्लीकेशन का एक ऑप्शन आएगा, उसमें आपको क्लिक टू गो क्लिक करना है। देन व्यू मेरिट लिस्ट स्टेटस बैचलर ऑफ साइंस 2022-23, उसमें आपको एक बार देख लेना है। और उसके बाद आपके मोबाइल में, मोबाइल के स्क्रीन पर पॉप अप एक विंडो आएगा, वेट फॉर ए मोमेंट योर एडमिशन प्रोसेस विल स्टार्ट वेरी सुन, तभी आपको अलर्ट रहना है। और उसके बाद जब भी आपको ऑप्शंस आएंगे तो अप्लाई फॉर एडमिशन्स में क्लिक करके आपको अप्लाई फॉर एडमिशन अनरिजर्व कैटेगरी में अगर सीट अवेलेबल होता है, तो सीट अवेलेबल होने के कारण उसमें एडमिशन ले लेना है, ठीक है। और अगर रिजर्वेशन रहने वाले कैंडिडेट्स हो तो भी आपको सेम प्रोसेस करना है अनरिजर्व कैटेगरी में जाकर, अगर उसमें लिखा आता है नो सीट अवेलेबल इन दिस कैटेगरी, तब जाके आपको रिजर्व कैटेगरी ऑप्शन में अप्लाई फॉर एडमिशन क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद 9 पॉइंट में आप लोग देख सकते हो, अगर आप ऑनर्स सब्जेक्ट अगर आप श्योर हो तो आप लोग प्रोसीड क्लिक कर देना, तो आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर में एक ओटीपी आएगा। ओटीपी क्लिक करने के बाद ही मतलब ओटीपी जब आप लोग एंटर कर देते हो तो आपको सबमिट क्लिक करना है, देन कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस पे क्लिक करते ही आपका अंडर सब्जेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस में आपको दिया जाएगा, बहुत सारे जेनरिक सब्जेक्ट्स होंगे, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपको चूज कर लेने पड़ेंगे, और लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने दिया जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। अगर उसमें आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं है तो नन इन द लिस्ट ऐसे आप लोग सिलेक्ट कर देना, देन क्लिक ऑन सबमिट क्लिक करते ही आपको पे नाउ का ऑप्शन दिखेगा, और ये पे नाउ में क्लिक करते ही आपको एक नया इंटरफेस दिखाई देगा, पेमेंट गेटवे में आपको रीडायरेक्ट करके लेके जाएगा। पेमेंट अगर आप सक्सेसफुली करते हो तो आपको और एक नया पेज आएगा जिसमें आप दिख पाओगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आई मीन आप जो भी एडमिशन लोगे उसका एक डाउनलोड करने का
डाउनलोड एडमिशन एक्नॉलेजमेंट पेपर आएगा उसको आप लोग डाउनलोड कर लेना है एंड डाउनलोड एडमिट कार्ड ये भी आपको करना है और उसके बाद ये सारे प्रिंट आउट निकाल के आपको वेरिफिकेशन के दिन आपको ये सारे दिखाने पड़ेंगे। तो आज का वीडियो यहाँ पे एंड कर दे, कुछ भी अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर DM कर सकते हो, आई विल बी आंसरिंग एवरीवन। और अगर आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया है, थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करने के कारण थोड़ा भी हेल्प हुआ है, इन्फॉर्मेटिव लगा है ये आज का ये वीडियो, तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरे चैनल को ग्रो होने में मदद करो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।